थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट। ट्रेलर देखा आप लोगों ने? यस यस यस, हां ठीक है। सर राइट अभी सर यहाँ पे सामने सर इसको दो का सीख रहा है अभी। आप लोगों की बातें सुनने में बड़ा होता वो इधर और भी जाओ। अरे चल पीछे लेना थोड़ा सा इधर आइए, नहीं एकदम सामने देखिए, एकदम सामने। बोथ ऑफ यू लुक लेफ्ट 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 लेफ्ट। अरे राइट सर मैम। ठाकुर सर आइए साथ में, क्या बात है साथ में करण भाई साथ में। यहाँ देखिए बहुत अभी सेंटर राइट 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 अभी ऑलमोस्ट सेंटर सर। भाई एकदम सेंटर सेंटर। ए भाई ए भाई ये ठाकुर सर यहाँ पे सर सामने पहला हो जाएगा हुआ उधर अभी टर्न हो जाओ सर अभी ये साइड होल्ड डाउन सर मैम ये बोलते थे मैम इसको देख लो थोड़ा पहले इधर से पहले इधर से सोएगा नहीं मैं अभी सामने देखिए आगे क्यों जा रहा है सेंटर वो तो सेंटर आपके सामने देखे वो तो भी यहाँ सेंटर या सर सेंटर लेफ्ट साइड मैम राइट पे देखो मैम सर यहाँ पे सामने लेफ्ट लेफ्ट वेट 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 गाइस मैम थोड़ा सा पीछे जाना दीदी मैम इधर आ यहाँ से यहाँ से ये सरोज का हो गया ना लुकिया वो तो भी सर 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 कहाँ मारू हो गया था सर मार मार लेफ्ट में हो गया क्या थोड़ा राइट मैं यहाँ से लेफ्ट साइड लेफ्ट साइड रुकना मैम सर यहाँ पे देखिए ये साइड अरे रुको पहले उधर चलो हो गया एक मिनट यहाँ पे इसको नहीं मिला यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे
ओके थैंक यू प्रीति प्रीति आवाज प्लीज बेटा ओके मैम थैंक यू बाइट 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 से एक सेकेंड हाय अरे बहुत लाइट आ रही है सब सब नहीं दिख रहे हाँ चलो ये पकड़ ले हाय कम यू मैं एक्साइटेड हूँ अब सब दोस्त आ रहे हैं मेरे मूवी देखने के लिए और इंटरेस्टिंग है जर्नी कि यू नो इतना काम हो रहा है और एक और मीडियम मेरे काम में ऐड हो रहा है तो आई एम वेरी हैप्पी अबाउट दैट आई एम वेरी हैप्पी कि मेरी यू नो हम ऑडियंस और जुड़ेगी और मुझे देखेंगे यहाँ पे सो इट्स वेरी एक्साइटिंग और ट्रेलर वाकई में सबको बहुत पसंद आ रहा है और लोग बहुत अप्रिशिएट कर रहे हैं सो आई एम होपिंग कि लोगों को फिल्म भी उतनी पसंद आए फिलहाल मेरे दोस्त आए हैं मुझे प्लीज करती रहे तू करती रहे दोस्तों लकड़ पका देखते रहो उसको देखते रहो भाप प्लीज फिर से पूछिए सवाल लकड़बग्गा जैसा नाम है मतलब इट्स हाइना का नाम है लकड़बग्गा और बहुत कैची सा नाम है इसीलिए और उसके बारे में एक्चुअली अंशुमन ज़्यादा आपको बेटर बताएंगे अंशुमन और विक्टर बट एक्शन है फिल्म में और एनिमल्स के ऊपर बेस्ड है एनिमल क्रूल्टी के बारे में बात करती है फिल्म और मेरा कैरेक्टर एक कॉप का है क्राइम ब्रांच ऑफिसर है अक्षरा डिसूजा जो गुड और बैड के बीच में है गुड हीरो और बैड विलन और उसके बीच में ग्रे कैरेक्टर है दैट्स अक्षरा एंड शी इज़ वॉकिंग दैट थिन लाइन और उसको देख के आपको कभी कभी लगेगा मॉरल्स की यू नो समझ में बहुत सारी चीज़ें जो हमारे दिमाग में आती है कि इशी गुड सही कर रही है गलत कर रही है वो सारी चीज़ें बाहर आएंगी सो फिंगर्स क्रॉस्ड होपफुली पीपल विल लाइक इट ओरिजिनल स्टोरी है मुझे यही लग रहा है आज के डेट में जहाँ सब लोग बोल रहे हैं बैन बॉलीवुड एंड ऑल ऑफ दैट आई फील लाइक हर चीज़ में एक पॉजिटिव अप्रोच होना चाहिए एंड इंस्टेड ऑफ सेइंग बैन और यू नो बॉयकॉट एनीथिंग पीपल शुड सपोर्ट तो यहाँ एक इंडिपेंडेंट यू नो फिल्म मेकर है इंडिपेंडेंट टीम यू नो अंशुमन ने बहुत मेहनत की है इन द सेंस दैट अकेले उन्होंने अपना दिमाग चला के बेल्जियम से म्यूजिक कंपोजर लेके आए हैं फ्रांस से डीओपी लेकर आए हैं सो वो ही इज़ रियली पुटिंग इन हिज हार्ट एंड सोल सो आई वांट टू टेल एवरीबडी सपोर्ट यू नो लकड़बग्गा सपोर्ट ओरिजिनल कॉन्सेप्ट्स एंड सपोर्ट पीपल हु आर ट्राइंग टू मेक अ फिल्म रिगार्डलेस ऑफ हाउ डिफिकल्ट इट इज़ टू मेक इट थैंक यू सो मच तुमच्या राईटला बघा दादा धन्यवाद साहेब एक मिनिट अरे सर सर एक फोटो जरा साइड लो मैं यही चाहूँगा थिएटर पे रिलीज होने वाली मेरी हो या किसी और की हो पिक्चर चले बहुत चले लोग उसे प्यार दें बिकॉज पिछले साल में कई नई नई चीज़ें हमने देखी इस साल में ऐसी उम्मीद है कि आने वाली हिंदी नहीं रीजनल हो या हिंदी हो या बाकी सारी लैंग्वेजेस की पिक्चर चले सबको ऑडियंस का ढेर सारा प्यार मिले मोस्ट एक्साइटेड मूवी अभी 23 में पुष्पा भी पुष्पा तो आने वाली है और आपके मतलब डबिंग के लिए आपकी वॉइस की काफी तारीफ हुई है फैंस जी पुष्पा पुष्पा 2 आ रही है लेकिन अभी तक टू बी ऑनेस्ट हमारी ऐसी कोई उनसे बात हुई नहीं है फॉर द सीक्वल सो अगर होगी तो ऑफकोर्स आई वुड लव टू डू इट बिकॉज इट हैज़ बीन अ वेरी वेरी स्पेशल फिल्म फॉर मी ऑल्सो सो अगर हो जाएगी तो आई वुड बी वेरी वेरी हैप्पी सर आपसे एक चैनल आईडी चाहिए थैंक यू बाबा आप बताइए क्या है अंदाज में आगे दिखने वाले
यार आई एम जस्ट हैप्पी कि यू नो फिर चाहे वो कौन प्रवीण तांबे हो या पुष्पा हो, ये फिल्मों की वजह से जो रोल्स आ रहे हैं वो बहुत अलग किस्म के, कुछ थ्रिलर्स है, कुछ लव स्टोरीज है, कॉमेडीज़ भी है, ऐसे नहीं कि कॉमेडीज़ नहीं करूँगा, बिकॉज वो ऐसी चीज़ है कि थ्रिलर में भी मैं कॉमेडी करना पसंद करता हूँ, बट पीपल आर ऑल्सो यू नो लुकिंग एट मी इन अ डिफरेंट लाइट, द प्रोड्यूसर्स डायरेक्टर्स आर अप्रोचिंग मी फॉर डिफरेंट पार्ट्स, तो एक्टर के लिए इससे बड़ी खुशी की बात और क्या हो सकती है, सो आई एम वेरी हैप्पी एंड कुछ अलग डेफिनेटली देखने मिलेगा, अच्छा है बुरा है ये लोग बता देंगे, अलग ज़रूर होगा. थैंक यू. सो जी जी हेलो जल्दी करो मुझे सो गुड टू सी यू लकड़ बग्गा काफी अलग नाम है जी 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 का रिस्पांस काफी अलग है जी ट्रेलर को लेके जी एक्साइटेड फिल्म देखने के लिए आपका आपको किस तरह के रिस्पांस है मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ मैंने कलकत्ता में देखी जहाँ प्रीमियर हुई फिल्म 21 दिसंबर को वर्ल्ड प्रीमियर और फिर न्यूयॉर्क में 28 को हुई है और 900 लोग थे थिएटर में कलकत्ता में और न्यूयॉर्क में तो अंग्रेज थे लेकिन इस फिल्म का क्रू भी इंटरनेशनल है जोमाक सेल्वा ने शूट की है केचा कम्फगडे ने एक्शन किया है जिन्होंने ओंग बाक जैसी कल्ट फिल्में की हैं तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ कि अब घर के लोग जब बॉम्बे में देख रहे हैं इंडस्ट्री वाले तो वो पेट में थोड़ी सी नर्वसनेस तो होती है आपका किस तरह का किरदार है कैरेक्टर आपने ट्रेलर देखा है बिल्कुल देखा है तो हाय तो बहुत ही सिंपल ऑर्डिनरी सा आदमी है मैं मानता हूँ कि आपके जैसे लोग मेरे जैसे लोग हम सबके जैसे लोग हम लोग में सुपर पावर है क्योंकि हम ऑर्डिनरी हैं और अर्जुन बख्शी जो इस फिल्म में है वो कलयुग का अर्जुन है आप समझिए वो जो जानवरों को हार्म करेगा ये लड़का उसको हार्म करेगा तो बहुत ही डिसिप्लिन लड़का है लेकिन अपने जो देसी कुत्ते होते हैं उनसे बहुत प्यार है इस और कलकत्ता में एनिमल ट्रेड नेक्सस जो कोलकाता पोर्ट से चलता है उस पर बेस्ड है एंड आई होप आप सबको पसंद आए स्पेशली जो हाइना है फिल्म में लकड़ बग्गा बिल्कुल सर पसंद आएगा सर इसके बारे में एक डिफरेंस बता दीजिए कि अब्रॉड की क्रू के साथ काम करना और इंडिया के क्रू के साथ काम करना उसके बारे में कुछ जी डिफरेंस कुछ खास मैं आपको कैसे समझाऊँ जोमाक सेल्वा फ्रांस के सबसे बड़े डीपी हैं यूरोप के एएफसी के मेंबर हैं तो उनका हम लोग का आइडिया था कि कलकत्ता जैसे जब मैं न्यूयॉर्क जाता हूँ तो मैं वहाँ पे गटर का कवर भी देखता हूँ तो कुछ एक्साइटिंग लगता है क्योंकि मैं न्यूयॉर्क में पला बड़ा नहीं हूँ जोमाक को कलकत्ता में वो चीज़ें दिखेंगी जो शायद मुझे या विक्टर को या रिद्धि को दिखाई ना दे क्योंकि वो वहाँ के हैं नहीं जी। तो बहुत ही प्रोफेशनल होते हैं बहुत टाइम बाउंड होते हैं और प्रिपरेशन बहुत स्ट्रांग होती है जैसे मुझे पसंद है खुद भी इसलिए मैं बहुत कम काम करता हूँ क्योंकि मुझे 6 महीने लगता है रिहर्सल करने में किसी चीज़ को करने के लिए इस फिल्म की ट्रेनिंग भी साही शिमेश ने की मेरे साथ जो कि एवेंजर्स मार्वल की जो फिल्म है उसके कास्ट को जिन्होंने ट्रेन किया है वो उन्होंने एक्शन ट्रेन किया है मुझे और केचा कम्फगडे ने एक्शन डिज़ाइन किया है और जो म्यूज़िक है वो यूरोप के सबसे बड़े कंपोज़र हैं सिमो फ्रांसक्वेट उन्होंने स्कोर किया है तो मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ कि इन सब ने एक इंडियन मूवी में काम किया है हमारे साथ एंड या थैंक यू जैसे कि हमने देखा ट्रेलर में फुल स्टंट कर रहे हैं और क्या आपने कितना प्रिपरेशन किया 6 months एक्शन और ब्रूस ली कौन अपने मन जैकी चैन किसको कौन था आपका मेरा आइडल ब्रूस ली है जैसा आप देख सकते हैं क्योंकि हमने देखा बहुत स्टंट बहुत मैं उनको बहुत मानता हूँ सिर्फ मार्शल आर्ट्स को नहीं वो जो जिंदगी जीते थे उस धर्रे को जिस चीज़ों में बिलीव करते थे डिसिप्लिन को कम बकवास को आजकल की दुनिया में बहुत बकवास है मुझे इंस्टाग्राम फॉलोइंग ये सब जो सरफेस लेवल चीज़ें होती हैं मुझे उसका शौक़ नहीं है मुझसे कोई पूछता है जो सब कुछ आजकल बहुत नकली होता है मुझे असली चीज़ें पसंद है इसीलिए इस फिल्म में हमने कोशिश की है कि जेन्युइन मेहनत करके एक ऑनेस्ट फिल्म लाएं आप तक जानवरों के बारे में क्योंकि जानवरों का ध्यान रखना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है हम सब की आपकी मेरी हम सब की और कुत्तों के साथ बहुत गलत हो रहा है पूरे देश में तो लकड़ बग्गा ध्यान रखिएगा बिल्कुल सर एट द एंड यू वांट टू से समथिंग फॉर द ऑडियंस आई जस्ट वांट टू से दैट 13th ऑफ जनवरी प्लीज इफ यू लव एनिमल्स यू लव लकड़ बग्गा इफ यू डोंट लव एनिमल्स यू विल फॉल इन लव विद एनिमल्स और अगर आपको एक्शन पसंद है जो दिल्ली में मैं बोलता हूँ घुसंडबाजी उस टाइप का एक्शन पसंद है तो इस फिल्म में वो घुसंडबाजी है वो कोई वायर वर्क नहीं है बॉडी डबल नहीं है कोई उड़ेगा नहीं कोई हाई स्पीड शॉट नहीं है आपको एक रॉ ग्रिटी एक्शन दिखेगा तो प्लीज़ आइए एंटरटेनमेंट के लिए और हमको बताइए कैसी लगी फिल्म थैंक यू सो मच हो गया ना
आपके सामने बिल्कुल एकदम मैम सामने मैम यहाँ पे मैम अभी थैंक यू सिर्फ सिर्फ रिद्धि के लिए कहूंगा रिद्धि के लिए ऑल द वेरी बेस्ट विद एवरीथिंग दैट शी इज डूइंग मे बप्पा ब्लेस हर मैं उस भगवान करे उसकी एक फिल्म 10 फिल्म 100 फिल्म में ऐसे है और उसकी हर फिल्म की स्क्रीनिंग पे मैं रहूं सो आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट रिद्धि आई लव यू सर एक आईडी दे दीजिए